मूवी के स्टार्टिंग में एक लेडी को दिखाया जाता है फाइटिंग करते हुए। उसका नाम हाई रहता है। वो सबसे डेप्ट कलेक्टर का काम करती है एक लेडी के लिए और उसे डेली बेसिस पे कुछ पैसे भी मिलते हैं। सब दिन की तरह उस दिन भी पैसे लेके सामान खरीदती है और जब जा रही होती है तो देखती है रास्ते में कुछ बच्चे एक बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं। तभी हाई वहाँ पहुँच जाती है और उन बच्चों को वहाँ से भगाती है। तब हमें पता चलता है कि वो बच्ची उसकी अपनी बेटी रहती है और उसका नाम माई रहता है। पर माई उसे नाराज रहती है क्योंकि हाई डेप्ट कलेक्टर का काम करती है। तो स्कूल में उसे बच्चे चिढ़ाते हैं और वो आगे चली जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और माई को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हाई खाना बना रही होती है और थोड़े देर बाद जाके बाहर स्मोक करने लगती है और माई अपनी माँ यानी हाई को खिड़की से देख रही होती है और फिर दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। पर माई को खाना पसंद नहीं आता है क्योंकि वो जला हुआ होता है। और दूसरी तरफ हाई पैसे का हिसाब कर रही होती है और माई से कहती है चुपचाप खाओ। तभी माई कहती है अपनी माँ हाई से कि वो एक फिश फार्म उसके साथ करना चाहती है पढ़ाई छोड़ के, और उसे डेप्ट कलेक्टर का काम को छोड़ने के लिए कहती है। और वैसे ही एक आदमी आके हाई के घर के डोर को पिटने लगता है यह कहकर कि मेरे भाई का पैर क्यों तोड़ा, पैसे ही बाकी थे ना। पर हाई अपनी बेटी माई के साथ एक कोने में छुप जाती है और सब सुन रही होती है। उस आदमी के जाने के बाद अपनी बेटी माई को समझाती, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें ब्रेव और स्ट्रांग बनना होगा, ये बस एक फीलिंग है और कुछ नहीं। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है आधी रात में हाई अपने इयररिंग्स देख रही होती है और अपने पास्ट को याद कर रही होती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाई अपने इयररिंग्स बेचते हुए दिखाई जाती है। वैसे ही दूसरी तरफ माई की आवाज सुनाई देती है तो हाई अपनी बेटी माई के पास जाती है तो उसे पता चलता है सब उसे कह रहे होते हैं कि माई ने पैसे चोरी किए हैं। तब हाई अपनी बेटी माई से पूछती है, तब माई कहती है कि मुझे ये गिरा हुआ मिला है और आपको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये कहकर वहाँ से वो गुस्से में भाग जाती है। तभी एक पिया हुआ आदमी आता है और कहता है माई उसके लिए पिक कर रही थी वो वॉलेट जो उसने गिरा दिया था और वो गिरा हुआ था। तभी माई को एक नदी के किनारे बैठे हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हाई अपने इयररिंग्स बेचने से मना कर वहाँ से निकल रही होती है। उसके बाद माई को खोज रही होती है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ती है जो माई को लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही हाई बचाने के लिए दौड़ती है कुछ लोग सामने से मार्केट में ही हमला कर देते हैं। हाई उन सबको मारकर उन लोगों के पीछे जाती है, पर जब तक वो लोग माई को एक छोटी सी नाव पे लेके जाने लगते हैं तभी हाई नदी पे कूद जाती है और नाव को पकड़ लेती है। पर वो लोग उसे मारते हैं तो वो वहीं पीछे रह जाती है और पानी में से बाहर आकर वहीं खड़े एक स्कूटी से उनके पीछे बाय रोड पीछा करती है। पर रास्ते में उनका एक साथी आ जाता है जिससे हाई ने मार्केट में मारकर गिरा दिया होता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। हाई उसे मारकर स्कूटी से एक मार्केट में पहुंचती है और उसे वहां वो नाव भी दिखाई देता है। फिर हाई वहां के बगल वाले शॉप पे पूछती है पर वो कुछ नहीं बता पाते हैं। और तब एक बस जा रहा होता है, उसमें हाई अपनी बेटी माई को देखती है पर वो बस नहीं रुकती है। तभी हाई कुछ देर बाद वहाँ पे से एक ट्रक को रोक कर बैठ जाती है और पहुंचती है एक सिटी जिसका नाम साइगुन रहता है। वहां से हाई अपने एक दोस्त के पास जाती है पर दोनों में अब नहीं बनती है। वहां हमें पता चलता है कि हाई अपने भाई को ढूंढ रही होती है, उसका नाम हंग रहता है। उसके बाद हाई को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हुए दिखाया जाता है पर वहां उसे लगता है कि कुछ इनसे नहीं हो पाएगा। तब पेट दर्द का बहाना बनाकर कुछ लाने के लिए भेज देती है और उसके जाते ही वो उनके बॉस के केबिन में जाके सारे फाइल चेक करने लगती है। तभी कुछ फाइल में कुछ लोगों के एड्रेस और नाम मिलते हैं जो बच्चे किडनैप करते हैं। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। तभी जाते वक्त उनके बॉस से भी सामना होता है जिसका नाम लुओंग रहता है, पर हाई उनके साइड से निकल जाती है। उसके बाद हाई को सारे एड्रेस पे जाके उन लोगों को खोजते हुए दिखाया जाता है। तभी एक जगह वो पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। वो हाई को अंदर इंटर करने नहीं देती है पर हाई जबरदस्ती अंदर इंटर करती है। तभी उसका बेटा आता है और अपनी माँ को कहता है अंदर जाने के लिए। ये वही लटका रहता है जिसका एड्रेस को ढूंढते हुए हाई आई है, उसका नाम ट्रक रहता है। और वो हाई पे हमला करने लगता है जिसके चलते हाई भी मारती है उसको और अपने बेटी माई के बारे में पूछती है पर वो नहीं बताता। लास्ट में उसकी माँ के कहने पे वो एक गैंग का नाम लेता है और कहता है एक बार ट्रेन चली गई तो तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिलेगी। तभी हाई वहां से चल देती और उसे एक मार्केट में दिखाया जाता है जहां उसे कुछ लोग दिखते हैं एक बच्ची को ले जाते हुए। वो उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ ट्रक से मिलने वो ऑफिसर लुओंग आया हुआ रहता है और इशारों में उससे पूछता है। तभी ट्रक कहता है कि एक शेरनी को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए जब वो अपने बच्चे की
की रक्षा कर रही हो। उसके बाद ऑफिसर लुओंग वहां से चला जाता है और तभी हाई को अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे सीढ़ियों पे कुछ लोग रोकते हैं, पर वो उन सबको मारकर आगे बढ़ती है और तभी एक रूम के अंदर जाती है जहां उसे कुछ ऑपरेशन का सामान बिखरा हुआ मिलता है और माइक के सैंडल भी। तभी वो थोड़ा डरती है और कहती है ये नहीं हो सकता। जब उस रूम में से बाहर निकलती है तो देखती है अगले वाले रूम में कुछ लोग बात कर रहे होते। तभी हाई वहां जाती है और डोर को पीट कर एक आदमी को बुलाती है और जब वो आदमी वहां आता है तो वैसे ही उसका सर टकरा के अंदर घुस जाती है। गेट अपने लात से खोल के फिर अंदर हाई को देखने को मिलता है, उनकी हेड एक लेडी बॉस और एक आदमी। उसके बाद पहले हाई उस आदमी को मारती है, उसी दौरान हाई को माई दिखाई देती है एक डोर के पीछे और फिर लेडी बॉस से लटती है। तभी वो लेडी बॉस हाई को मार कर गिरा देती है और उसके लोग हाई को एक नदी में फेंक देते हैं और फिर हाई को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे ऑफिसर लुओंग लेके आया रहता है और उसे कहीं जाने नहीं देता है। तभी हाई वहां के एक नर्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मदद करे यहां से बाहर निकलने में। तभी वो उसे एक्टिंग करने के लिए कहती है और अपने नेक पे एक नाइफ रखवा के बाहर आती है और तभी वो लोग देख रहे होते हैं और हाई उस नर्स को लेकर वहां से निकल जाती है। फिर दिखाया जाता है वो नर्स हाई को छोड़ती है अपने बाइक से एक जगह पे और वहां से हाई अपने भाई के घर जाती है और तभी उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। वो उसे नाराज रहता है और हाई उसे रिक्वेस्ट करती है पर वो मानता नहीं है। तब उसके बाद जब हाई अपने भाई के घर से बाहर आती है वैसे ही ऑफिसर लुओंग मिलता है। फिर लुओंग के कहने पर हाई याद करती है तो उसे याद आता है एक नंबर जो उसने बेहोशी के हालत में सुना था नदी में फेंके जाने से पहले। और तभी हाई ऑफिसर लुओंग के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचती है जहां उसे वो ट्रेन मिल भी जाता है, पर ऑफिसर लुओंग उसे कहता है रुक जाओ पहले फोर्स को आ जाने दो। पर हाई अपनी बेटी के वजह से वो फोर्स का वेट न करके उस ट्रेन में चढ़ जाती और तभी उसे अंदर कुछ लोग भी देखने को मिलते हैं जो उसे घूर के ताक रहे होते हैं। पर हाई आगे बढ़ती ही चली जाती है। तब आगे अगले कोच में कुछ लोग हाई पे अटैक करते हैं, पर दूसरी तरफ ऑफिसर लुओंग भी आ जाता है और उन सब पर अटैक कर हाई का साथ देता है। तभी हाई ट्रेन से बाहर निकलकर कोचेस के साइड से होते हुए आगे बढ़ती है। उसी दौरान लेडी बॉस को दिखाया जाता है, वो वॉकी टॉकी पे बात कर रही होती है अपने साथियों से ट्रेन के पटरी बदलने के लिए और उनके साथियों को दिखाया जाता है। उसी बीच हाई वहां पहुंच जाती है उस वैगन वाले डिब्बे में जहां वो लेडी बॉस बच्चों के साथ रहती है। तभी दोनों में फाइट स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ वो लोग पटरी के डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं और ट्रेन दूसरी पटरी पे चली जाती है कुछ डिब्बे छोड़ के। ऑफिसर लुओंग पीछे छोटे डिब्बे में रह जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हाई फ्लोर पे पड़ी रहती है और ट्रेन अपने जगह पे लगी रहा होता है। वैसे ही हाई उठती है और उस लेडी बॉस को मारती है कि वो मर ही जाती है। तभी हाई अपने बेटी माई से मिलती है। फिर दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो उस ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और ट्रेन अपने पोजिशन पे आ रहा होता है। जब वो लोग अंदर देखते हैं वैसे ही हाई बाहर आके उन लोगों को मारने लगती है और लगभग सबको मार चुकी होती है। पर उसी बीच हाई को एक गोली लग जाती है और जैसे ही दूसरी गोली मारने जा रहा होता है तो वैसे ही ऑफिसर डोंग आ जाता है और अपने साथियों के साथ और उसे गोली मार गिरा देता है और सबको अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और माई को हॉस्पिटल दिखाया जाता है अपने माँ हाई के साथ और वो उसे कह रही होती है उसे भी लड़ना सिखाए। फिर मूवी का द एंड हो जाता है।